welcome you all to our English grammar class. In the heading preposition of direction, today we will see along and alongside. Along in Hindi is said as के किनारे या साथ, और alongside को हिंदी में के साथ में कहते हैं. Along को हिंदी में के किनारे के साथ में कहते हैं. We have studied about it. Now let's see the use of along. We use along to denote the movement of an object. Note, क्या चीज़ denote करने के लिए? Object के movement को denote करने के लिए. Especially किस जगह पे? रोड या कॉरिडोर. अगर हिंदी में समझे तो हम किसी वस्तु की गति को निरूपित करने के लिए अलोंग का उपयोग करते हैं. विशेष रूप से किस जगह? सड़क या गलियारे के ऊपर के एक के अंत तक होता है. अगर सरल भाषा में हिंदी में समझें तो रास्ता या वरांदा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के गति को बताने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है. यानी एक एंड से दूसरे एंड, एक कोने से दूसरे कोने तक के मूवमेंट को बताने के लिए अलोंग का प्रयोग करते हैं. नाउ लेट्स डाइव इनटू अलोंग एंड समझते हैं अच्छे से अलोंग क्या है. अलोंग मीन्स इन अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग लंबी एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन, यानी कि लेंथ वाइज. जैसे कि रोड, रोड कैसी होती है? लाइन में लंबी और थिन होती है. रिवर भी लंबी और थिन होती है. और उसी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम अलोंग का प्रयोग करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. बिफोर गोइंग अहेड, वन थिंग विच वी मस्ट कीप इन आवर माइंड, दैट इज अलोंग व्हेन यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और सम टाइम बाय अ प्रोनाउन. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. There were lots of shops along the main street. मुख्य सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें थीं. Now see in this picture, along. Along क्या है? Preposition है. किससे follow हो रहा है? The main street से. And main street क्या है? Noun. वो भी common noun. So along is followed by the main street. And ये जो main street है, ये object है जो कि किसके लिए काम कर रहा है? Preposition के लिए. Now let's see the second example. I saw two different boats along the bank of the river. मैंने देखा कि नदी के किनारे दो अलग अलग बोट लगे हुए हैं. Now see into this picture. What you can see? दो बोट जो कि नदी के किनारे हैं. Now see the example. Along the bank of the river. Along क्या है? Preposition. किससे follow हो रहा है? The bank of the river से. And the bank of the river क्या है? Noun. So here the bank of the river जो कि noun है, वो object की तरह काम किसके लिए कर रहा है? Along preposition के लिए. I hope you are clear with the along. Alongside संबंध सूचक अव्यय के साथ, के साथ साथ, के बगल. The term alongside is derived from the word along. It means alongside word is an integral part of along. यानी कि alongside शब्द along शब्द से निकाला गया है. Alongside means close beside, next to, यानी just बगल में. Together with, यानी एक साथ, at same time. There is a minor difference between alongside and along about which you need to be careful. Now let us understand with the help of examples. Park your bicycle alongside mine. अपनी साइकिल मेरे साथ पार्क करें. Now look into this picture. साइकिल पार्क करना है मेरे बगल में. अलोंगसाइड माइन मतलब नेक्स्ट टू मी. अलोंगसाइड इस सेंटेंस में क्या है? प्रेपोजिशन. किससे फॉलो हो रहा है? माइन से. एंड व्हाट इज माइन? माइन इज प्रोनाउन. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. द टाउन ग्रू अप अलोंगसाइड द कॉलेज. कॉलेज के साथ साथ शहर बड़ा हुआ. सी इन दिस पिक्चर, कॉलेज और शहर यानी टाउन दोनों एक साथ बड़े हुए. दो काम एक साथ हुए. द टाउन ग्रू अप अलोंग साइड द कॉलेज में अलोंग साइड क्या है? प्रेपोजिशन. किससे फॉलो हो रहा है? द कॉलेज से. एंड द कॉलेज क्या है? एक डेफिनेट नाउन. द इसलिए डेफिनेट और कॉलेज जो कि नाउन है.
कॉमन नाउन है. सो नाउ दिस अलोंग साइड इज फॉलोड बाय द कॉलेज, एंड ये जो द कॉलेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम किसके लिए कर रहा है, अलोंग साइड के लिए. आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.